कोविड-19 की महामारी के बाद चीन के बारे में लोगों की मिली जुली राय है, जैसे कि आप में से कुछ लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं और अन्य उनकी प्रशंसा। जो भी हो, मैं आपके दृष्टिकोण पर निर्णय नहीं दूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। 2020 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ने नकारात्मक विकास दर का अनुभव किया, वहां चीन सकारात्मक विकास दर का अनुभव कर रहा था। इतना ही नहीं, पिछले 3 दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, इसलिए आज हम वीडियो में चीन की आर्थिक वृद्धि के रहस्यों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि चीन 7 दशकों से भी कम समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया। 1976 तक चीन का नेतृत्व माओ ज़ेडुंग कर रहे थे, जिनकी आर्थिक नीतियां एक विनाशकारी विफलता थीं। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के हिस्से के रूप में चीनी सरकार ने सभी भूमि का स्वामित्व ले लिया और किसानों को काम करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इन कृषि नीतियों के कारण चीन में अकाल पड़ गया, जिसमें हजारों चीनी नागरिक मारे गए। फिर डेंग शियोपिंग 1976 में माओ ज़ेडुंग की मृत्यु के बाद सत्ता में आए, जो खुद इन नीतियों से प्रभावित थे। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने माओ की सभी नीतियों को उल्ट दिया और चीन में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप चीन की अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हुई। डेंग शियोपिंग के सुधार महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह केवल चीन की आर्थिक प्रगति के दोषी नहीं है, क्योंकि डेंग इस तरह के सुधारों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। दुनिया भर में कई अन्य सरकारों ने ऐसा ही किया था, पर डेंग के सुधार प्रभावी थे, जबकि इसी तरह के राजनीतिक सुधारों का प्रयास करने वाले अन्य विफल रहे। मानव संसाधन इसका उत्तर है। डेंग के सुधारों के अलावा चीन के 950 मिलियन विशाल कार्यबल ने देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सहयोग किया। चीन के पास बहुत बड़ी श्रम शक्ति थी, लेकिन वे काफी हद तक अशिक्षित और अकुशल थी। अकुशल श्रमिकों की इतनी अधिक असंगता का प्राथमिक कारण माओ द्वारा स्कूलों और विश्वविद्यालयों का विध्वंस करना, जिससे विद्रोही कभी जाग ना पाए। फिर डेंग ने इसमें धीरे धीरे उल्टफेर करना शुरू किया और डेंग के चीन ने कृषि भूमि पर सरकार के नियंत्रण को समाप्त कर दिया और निजी खेती को बढ़ावा दिया। इस नीति के निरस्त होने के बाद चीन के कृषि उद्योग में विस्फोट हो गया और चीन खाद घाटे से खाद अधिशेष में परिवर्तित हो गया। फिर कृषि के व्यवसायीकरण ने कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया और 1990 के दशक में चीन कपास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इसके परिणाम स्वरूप चीन के कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ और जैसा कि कृषि के मामले में था, लोग कपड़ा उद्योग में भी निजी स्वामित्व के पक्षधर बन गए। 1990 के दशक की शुरुआत में सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक और एलजी जैसे जापानी और दक्षिण कोरियाई ब्रांड पश्चिम में बेतहाशा सफल रहे। हालांकि इन कंपनियों को वितरण नेटवर्क को बनाए रखने के लिए अपने उत्पादन का विस्तार करने की आवश्यकता थी, लेकिन उपलब्ध भूमि और महंगे श्रम की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ थी। यहीं से चीन ने तस्वीर में प्रवेश किया। देश के विशाल कार्यबल ने जापान और दक्षिण कोरिया में कंपनियों से निवेश आकर्षित किए, जो श्रम की कमी का सामना कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व का कारखाना बनने की दिशा में यह चीन का पहला कदम था और इसके लिए चीन ने पूरे देश में कई विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ स्थापित करके इस योजना को सफल किया और चीन का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंसेंग ग्वांडोंग प्रांत में स्थापित किया गया था। आज ग्वांडोंग प्रांत अनुमानित 60,000 कारखानों का घर है, जो प्रतिदिन लगभग $300 मिलियन के मूल्य का सामान का उत्पादन करता है और चीन के निर्यात का लगभग 30% है और जूते, कपड़े और खिलौने के वैश्विक उत्पादन का 1/3 हिस्सा भी है। चीन में ग्वांडोंग क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा विकसित की है, जिसे चीनी सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। ताइवान की एक फर्म
फॉक्सकॉन ने 1998 में शेंजन में अपनी पहली उद्योग स्थापित की और फिर सब आते चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीक फलफूल रही थी, जिसने एचपी, डेल और एप्पल जैसे तकनीकी दिग्गजों को जन्म दिया। इन सभी कंपनियों में से एक चीज समान थी, जैसे सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता, जो यूएसए में नहीं चीन में ही मिल सकती थी। फिर चीन ने एक कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीति लागू की, जिसमें वे विदेशी फर्मों को घरेलू फर्मों के साथ साझेदारी करने और घरेलू चीनी फर्मों के साथ अपनी तकनीक को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हालांकि स्थानीय व्यवसायों ने तुरंत इन निगमों की तकनीक पर कब्जा कर लिया और इसे बहुत कम कीमत पर कॉपी करना शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण सस्ते चीनी स्मार्टफोन और लैपटॉप है। प्रारंभ में उनके उत्पाद की गुणवत्ता बेहद कम थी, लेकिन इसे भी धीरे धीरे बेहतर कर दिया। यही कारण है कि लेनोवो और शियोमी जैसे चीनी कंपनियां वैश्विक ब्रांड के रूप में उभर रही हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि चीन की नीतियां अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रही थीं। 2000 के दशक के मध्य में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल के विकास के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में आईटी व्यवसाय का विकास भी हुआ, इसके साथ चीन में भी हुआ, और उनका सेवा उद्योग 1975 में 25% से बढ़कर 2019 में 54% हो गया। इसके अलावा चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए भी दौड़ लगा रहा है। 1990 से 2007 तक चीनी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। हालांकि बढ़ती श्रम लागत, बढ़ती उम्र और 2008 के वित्तीय संकट का चीनी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गो ग्लोबल रणनीति का सख्ती से पालन किया है, जिसमें सभी उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करने का आदेश दिया है। बेल्ट एंड रोड पहल भी ग्लो ग्लोबल की रणनीति है। बेल्ट एंड रोड पहल के हिस्से के रूप में अब कई देशों में चीनी निवेश बढ़ाया गया है। यद्यपि चीनी अर्थव्यवस्था का मानव इतिहास में सबसे उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, परंतु इस समृद्धि ने गुलामी और जबरन श्रम के बारे में नैतिक चिंताएं भी पैदा की हैं। आधिकारिक तौर पर चीन का संविधान जबरन श्रम पर रोक लगाता है। चीन का दावा है कि कुछ उद्योगों में बंधुआ मजदूर मौजूद हैं और वे इसे मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षण और खुलेपन की कमी के कारण हम वास्तविकता को कभी नहीं जान पाएंगे।